देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा है। इसमें एक बालक है, छोटा सा बच्चा है, वो मैदान में चला गया। वहां पे स्लाइड लगी हुई थी और ये स्लाइड का मजा लेने लगा है। मरवा सर कह रहे हैं कि जब ये स्लाइड पे यूं आया है तो ये 45 डिग्री का था, am I right? और ये जो बच्चा था इस पे स्लाइड कर रहा था, यू आर हैव राइट। इन्होंने कहा कि जो बच्चे के नेकर है और जो ये स्लाइड है इसके बीच में फ्रिक्शन, ठीक है, जो फ्रिक्शन है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है। यानी आपको दो डेटा मालूम है, जो इंक्लाइन है वो आपका 45 डिग्री का है और फ्रिक्शन इतना है। बताना क्या है आपको, एक्सेलरेशन बतानी है कि किस एक्सेलरेशन से आएंगे। अगर इसको हम अपने और सिंपलीफाई कर लें, माफ कीजिएगा, ये आपका 45 डिग्री का हो गया, फ्रिक्शन आपको मालूम है, और ये लड़के को अगर हम एक मास मान लें तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। कैसे, धरती माता तो मानेगी नहीं, अपना एमजी से खींचेंगे अगर इस बच्चे का मास एम होगा। फिर क्या होगा, तो आपको हमने दिखाया जैसे ये इंक्लाइन है और ये आ रहे हैं, ये धरती माता खींच रही है, तो आप नीचे थोड़ी ना दबेंगे। ये वाला जो सरफेस है ये भी आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। बस काम बन गया, इन दो फोर्सों को आप समझ गए, ये धरती माता का है, इस एक्शन का ये रिएक्शन है, कौन लगाएगा, सरफेस लगाएगी। आपको हमने दिखाया भी, घर में आप देख भी लीजिएगा, ये क्लाइंट कर लीजिएगा, ये मास रख लीजिएगा, दाबिएगा तो देखिएगा, आपको महसूस होगा कि ये जो आपका हाथ है वो नॉर्मल रिएक्शन लगता है। ज्योमेट्री से एक नहीं कई बार सिखाया, आप बार बार नहीं सिखाएंगे, आप देखिए प्ले लिस्ट में चले जाइए चैप्टर 6 और शुरू से सवाल देखते रहिए। मस्त काम बन गया, ये वेक्टर है और आपको ये दो मिल गए, तो जाहिर सी बात है ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा mg sin थीटा, am I right बेटा। इधर गिरोगे, जिधर इंक्लाइन है ये धरती माता इस फोर्स से खींच लेंगी, तो जाहिर सी बात मोशन इधर है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, इधर इसके बराबर होता है म्यू आर, और आर इस ऐसे सूत्र आर में कितना है, mg cos 45 डिग्री। बस ये निकाल, न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इस फोर्स बॉडी को देख लीजिए आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। क्या लग रहा है, दो एक इधर एक इधर, अपोजिट है, घटेंगे, किससे घटेंगे, ज्यादा ज्यादा कौन होगा जिधर आ रहा है, यानी आप कह सकते हैं सर mg sin 45 माइनस म्यू एम जी आर आपका है कॉस 45, ये आपका नेट फोर्स हो गया इस मास पे, इसके बराबर बताया था मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास आपको मालूम है बॉडी का एम है और बॉडी की एक्सेलरेशन ए, मास का बन गया। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, सर ने कहा था जी 10 ले लीजिए, ना भी कहते तो भी हम लेते, 0.6 इंटू 10 बराबर है, काम बन गया दोस्त, इसको इससे कर दीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया 10√2 और ये हो गया 6√2, √2 एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो गया 4/√2। नॉर्मलाइज कर दीजिए तो आप कहेंगे सर ए है, √2 नीचे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 √2 हो जाएगा, जिससे कि आपको ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी a √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कीजिए आसान है।